झांसी में गणेश विसर्जन के दौरान नोटघाट पुल पर प्रतिमा विसर्जित करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। प्रतिमा विसर्जित करते समय दो लोग बेतवा नदी के गहरे पानी में चले गए। दो लोगों के डूबने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने दोनों को बचाने की भारी कोशिश की। दोनों डूबते हुए लोगों ने मदद की गुहार भी लगाई। एक शख्स ने हिम्मत करते हुए डूबते हुए लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खुद को डूबता देख बचाने गए शख्स ने अपने आप को बचाना सही समझा और वो नदी से वापस आ गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं इस खास खबर को IPN न्यूज के साथ। हाथ दिखा।